हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंड्स में हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे आपको आई कार्ड पर वीडियोज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन एंड पे मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी तो वहाँ से भी आपको देखना है आप जहाँ के से देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर इसमें बोला जा रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हमें यहाँ पे ये वर्ड की बन है इज रिटन एज तो हमें इस तरह से इसको लिखा हुआ है एंड हमसे पूछा जा रहा है हाउ सोलफुल रिटन रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज तो हमें बताना है जिस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से कोड किया हुआ है उस तरह से अगर हम सोलफुल को यहाँ पे कोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस ही बने कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा ये हमें बताना है क्वेश्चंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है आपको देखना है कि टी है टी का अपोजिट क्या होता है टी का अपोजिट होता है क्या होता है टी ट्वेंटी ट्वेंटी का अपोजिट क्या होता है जी होता है कहीं आपको यहाँ पे जी दिख रहा है नहीं दिख रहा तो यानी कि अपोजिट वाला तो आपका यहाँ पे मेथड फॉलो नहीं हो रहा यानी कि कोई किसी का अपोजिट नहीं है अब अगर आपको देखना है तो वो देखनी है कि कोडिंग अगर एक भी यहाँ पे हमें दिखता है कि जी का जी यहाँ पे कहीं भी यूज़ में हो रहा होता पर्टिकुलर इस जगह पे नहीं कहीं अगर यूज़ में हो रहा होता जी तो हम देखते कि कहीं वो सेम चीज़ यहाँ पे तो नहीं हो रही फॉलो तो वो चीज़ अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिट नहीं हो रहा किसी का तो वह आगे चेक करते हैं कि कोडिंग लिखते हैं कि किस तरह से इनकी कोडिंग है तो अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको टी एच आर आई वी ई e, एस यहाँ पे इसकी कोडिंग लिखेंगे टी की होती है ट्वेंटी एच की एट आर की एटीन आई की नाइन वी होता है ट्वेंटी टू और ई e होता है फाइव और नेक्स्ट एस की बात करेंगे इसकी कोडिंग होती है नाइनटीन अब अगर बात करते हैं एस आई यू एच एंड नेक्स्ट जो है आर डी और ये यू अब बात करें एस एस की कोडिंग होती है नाइनटीन आई की होती है हमारे पास नाइन यू की होती है ट्वेंटी वन एच एट होता है आर की होती है एटीन डी होता है उसकी कोडिंग होती है फोर यू होता है हमारे पास ट्वेंटी वन अब आपको देखना है कि ट्वेंटी और नाइन्टीन में अगर आप देखेंगे तो माइनस वन हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है एट से नाइन आ रहा है यानी कि प्लस वन हो रहा है यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन अब यहाँ पे देखें तो एटीन और ट्वेंटी वन में कुछ रिलेशन बैठ नहीं रहा है अब आपको देखना होगा इनके क्रॉस में भी चेक करना होगा तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टी है टी से यू हो रहा है यानी कि प्लस वन हो रहा है नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे क्रॉस में अगर हम चेक करेंगे तो एटीन से या नाइनटीन हो रहा है यानी कि माइन यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है और एट से नाइन हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस हो रहा है अब हमें यहाँ पे तीनों चीज़ें सेम दिख रही है तो हो सकता है इनके बीच में इस तरह से क्रॉस में रिलेशन हो रहा हो और क्रॉस में सब जगह क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है तो जहाँ पे आपके पास सेम मिले वहीं उसी चीज़ को मार कर लीजिए हो सकता है ये पैटर्न गलत हो जो हमने बनाया लेकिन सब में ये सेम चीज़ फॉलो हो रही है तो इसलिए मैंने ये माना है कि यहाँ पर प्लस वन हो रहा होगा अब आगे चेक कर लेते हैं नाइन से एट हो रहा है यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस वन यहाँ पे नाइन से एट हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये हो रहा है माइनस वन यहाँ पर प्लस वन हो रहा है यहाँ पे माइनस वन हो रहा है अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ बाईस से ये कितना हो रहा है इक्कीस हो रहा है यानी कि यहाँ पे क्या, क्या हो रहा है तो माइनस वन हो रहा है अब अगर बाकी सब में भी माइनस वन हो रहा होगा तो हमारा ये पैटर्न सही होगा तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइव से क्या हो रहा है फोर हो रहा है तो माइनस वन नाइनटीन से तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सब में माइनस वन हो रहा है तो यहाँ पे भी ये चीज़ फॉलो हो रही है लेकिन यहाँ पे प्लस वन हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है ये चीज़ आपको क्लियर है ये पैटर्न आपको पता होने चाहिए अब बताइए मैंने यही क्यों सोचा सामने अगर मेरे पास मिल नहीं रहते तो मैंने क्रॉस में ही क्यों सोचा इसको क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो मुझे पता है अगर डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों में प्लस वन माइनस वन इस तरह से आ रहा है और फिर आगे चेंजेस हो रहे हैं तो मुझे बाद में क्रॉस में चेंजेस करना है तो ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेंगे कि कैसे आपको इनको आगे सोल्व करना है मतलब आगे कैसे स्टेप्स लेनी है अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं हम हमारे से पूछा जा रहा है सोलफुल के लिए तो हम यहाँ लिख देते हैं सोलफुल के लिए अब यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ सोल्व करके बता रही हूँ आपको एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ये सोलफुल आपका हो गया एस की है एस की कोडिंग होती है नाइन्टीन ओ हमारी होती है फिफ्टीन यू होता है ट्वेंटी वन एल होता है ट्वेल्व एफ होता है सिक्स यू होता है हमारे पास Osionfish. ये होता है हमारे पास ट्वेंटी वन नेक्स्ट बात करें एल होता है ट्वेल्व अब अगर हम देखें हमें चलना है क्रॉस में स्टार्टिंग में हमारे पास क्रॉस था और लास्ट में हमारे पास क्या होता है हमें क्या करना है प्लस वन करना है तो यहाँ पे सेम हम करेंगे प्लस वन करेंगे तो ट्वेंटी वन में प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू कि अकॉर्डिंग होती है ये होती है वी की वो ऑप्शनस में हम देखेंगे तो वी के कौन से ऑप्शन में ऑप्शन ए और वी में यानी कि सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया नेक्स्ट बात करते हैं ओ ओ से फिफ्टीन होगा तो ये होगा हमारे पास सिक्सटीन और सिक्सटीन किसी अकॉर्डिंग होती है ये होती है पी की नेक्स्ट पी दोनों में दे रखा है अब आपको अगर इस तरह से मिल जाए सेम सेम तो आपको क्या करना है इन दोनों में से कौन सा डिफरेंस है डिफरेंट किस में आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे के आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है और बाकी सब जगह सेम है तो यानी कि ये लास्ट से सेकेंड से, वाला हो गया तो यानी कि ये वाला अगर हम ऐसे करेंगे जिस तरह से यहाँ पे फॉलो कर रखा है ना वही चीज सब यहाँ पे करनी है यहाँ पे क्या कर रहा था हमने माइनस वन करा था तो यहाँ पे भी हमें सब में माइनस वन करना है तो एल या एल में से ट्वेल्व में से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इलेवन और इलेवन किसकी होती है अकॉर्डिंग ये होती है के की तो के किस में है ऑप्शन ए में गिवन है तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं इस तरह से जब मैंने जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लिख के उस तरह से आपको सारी चीज़ें नहीं सोल्व करनी एग्जाम में आपको आए तो आपको एक से पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है डायरेक्ट यहाँ से देखना है टीकी कोडिंग ये होती है ओनली ये ऊपर वाले लिखनी है कोडिंग लिखनी है इसकी और फिर उसके बाद एक्जैक्ट करते हुए इस तरह से क्रॉस करते हुए आपको वैल्यूज निकालनी कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है प्लस वन हो रहा है या माइनस वन हो रहा है उस तरह से फिर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आपको जो डिफरेंट लग रहा हो इनमें से ऑप्शन में से देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेम हो रही है लेकिन ये के और ई में डिफरेंस है तो आप इन सब को बाकी जो चीज़ें सब कॉमन है ही सही तो डिफरेंट है उसको देखिए ना कि कौन सा है आपके पास आंसर तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया यहाँ पे हमारे पास हमें इतना टाइम नहीं लगा इनको सोल्व करने के लिए अब मैं आपको करके बता देती हूँ यहाँ पर क्या होगा फिर नेक्स्ट में यहाँ तक हमने कर ही लिया एस नाइनटीन नाइनटीन प्लस वन करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर प्लस वन करना है हमें तो ये हो गया हमारे पास ट्वेंटी और ट्वेंटी किसकी अकॉर्डिंग होती है ये होती है टी की नेक्स्ट बात करते हैं एल एल से हमें क्या करना है माइनस वन करना है एल से अगर हम माइनस वन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इलेवन और इलेवन किसकी की अकॉर्डिंग होती है ये होती है के की नेक्स्ट बात करते हैं यू यू में हमें क्या करना है माइनस वन करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्वेंटी ट्वेंटी होती है टी की कोडिंग नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स में से माइनस वन करा तो हमारे पास फाइव और फाइव होती है e ई की कोडिंग तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे आंसर क्या आ गया पी ई टी के टी ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया जो ऑप्शन है हमारा हम यहाँ पे मैच कर रहा है आई होप सो तो ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके पैटर्न रहते हैं जितने ज़्यादा आप पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी स्टेप्स कि आगे, आगे आपको किस तरह से प्रोसेस करना होता है इन क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों का कन्फ्यूज़न इसमें ही रहता है कि अगर हमने इस तरह से चेक नहीं करा कि आपको तो पता था इस तरह से आपने कर लिया अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता यही तो करना होता है आई I मीन mean, जो क्वेश्चन आपको उसमें स्टेप्स करनी होती है अलग अलग मेथड यूज़ करने होते हैं जिससे आपका आंसर आ रहा होता है वो चीज़ आपको करनी होती है यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आपको इस तरह से क्रॉस करके आंसर आएगा आपका या डायरेक्ट इस तरह से अपोजिट करके आंसर आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है जैसे पहले आपको इसका जो अपोजिट है वो चेक करना होता है अपोजिट के बाद आपको सेम चेक करना होता है कि कहीं सेम यहाँ पे टी को जैसे ऐसे डिनोट कर रखा है तो अगर आपको नेक्स्ट एक्पोर ऐसा दे रखा होता तो वहाँ पे भी क्या टी को ऐसे डिनोट कर रखा है तो अब फिर आपको ऑप्शंस में चेक करना होता है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें टी की जगह अगर आपको एस कहीं गिवन होता तो आप वहाँ पर वाला ऑप्शन राइट मार्क कर देते हैं तो इस तरह से यह चीज़ें आपको सारी स्टेप बाय स्टेप देखनी होती है फिर आपको पता चलता है कि आप किस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आई होप सो आप सबको क्लियर होगी होगी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में जय हिंद जय जे भारत